रावण का। तो कहते हैं कुआं तेजहीन हो गया, जा रहा था उखाड़ने के लिए पैर और देखा कि बात एकदम बदल गई, तो तेजहीन हो गया जैसे कि मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। भाई दोपहर का समय हो तो उसमें चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही रावण का तेज बिल्कुल हीन हो तो सिंहासन बैठे उसी रे नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर ऐसे बैठ गया जैसे लगता है कि उसकी पूरी संपत्ति चली गई हो। अजगदात्मा अजगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लहबि सामा। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि श्री राम जी संपूर्ण भुवनों के मालिक हैं, जगत के आत्मा हैं, और उनसे विमुख होने पर शांति कोई कैसे प्राप्त कर सकता? आज लोग आत्मा की बात नहीं मानते, मन का नौकरी करते हैं भाई। मन जोन कही हुए करो लेने, और कहीं आप मन का मालिक है अपने? अरे मन का मालिक नहीं है, मन का नौकर है। मनवा जोन कहता वह करता है, तो मन का नौकरे बहन है। ठीक, तो उमा राम की भ्रिकुटी पिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। शंकर जी के बाड़ी बा कहते हैं कि हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भू भ्रू विलास यानी जो भावे हैं उनके इशारे पर विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। अत्रिन ते कुलिस कुलिस त्रिन कराई, तासु दूत पन कहु किमि करई। कहते हैं जो वज्र को तिनका और तिनकों को वज्र बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता? तो देखिए, प्रभु राम जी पर जब पूरा का पूरा विश्वास होगा तो कोई भी कार्य जगत में असंभव नहीं है। तो पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु निराना। तब जो है अंगद जी ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना। रावण क्योंकि उसका काल निकट आ गया है। तो रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली निप जायो। तो शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद जी ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाए और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कह करके चल देते हैं क्या कि हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई। अब प्रथम ही ता सुत नय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तो तुझे खिला खिला करके मारूंगा। अंगद जी कह रहे हैं कि अब तू नहीं मान रहा ना, तो रणभूमि में तुझे खिला खिला करके मारूंगा। तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? और अंगद जी ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। क्या तुम्हारे पुत्र को? तो मैं वो जब लंका में प्रवेश किए तो हुआ था ना भे। हाँ, और वह जब बात बताया तो रावण फिर दुखी हुआ। क्या यही देने के मारे?
तो जा तू धाने अंगदपन देखी, अभय व्याकुल सब भय बिसेखी। अंगद जी का प्रण सफल देखकर सब राक्षस डर से अत्यंत व्याकुल हो गए। तो रिपु बल धर सिंह रसी कपि, अबालित नय बल पुंज, अपुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु का बल मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर के रामचंद्र जी के आकर के चरण कमल पकड़ लिए और उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरा है। तो साझे जानी दस कंधर, भवन गयउ बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर रावण उदास हो करके, बिलखाई माने उदास, उदास उदार नहीं, उदास उदार तो आप लोगों को होना है। उदास होकर के महल में गया, तब मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कुछ करती है। अब जो करती है वह बाड़ी, जय श्री राम जय श्री राम। तो कहते हैं कि कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, असोहन समर तू मही रघुपति ही, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घेहु असि मनुसाई। मंदोदरी जी कह रही हैं रावण से कि हे स्वामी, मन में विचार कर कुबुद्धि छोड़ दीजिए, कुमति छोड़ दीजिए, आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दिया था जिसे आप पार नहीं कर पाए थे, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है जो आप अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, तो आपका पुरुषत्व ऐसा ही है कि उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दिया था और आप उसे पार नहीं कर पाए। तो पिय तुम्हें ताही जी तब संग्रामा, जाके दूत केरे यह कामा। कहते हैं प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है कि कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयउ कपि के हरि अशंका। कहते हैं कि खेल से ही समुद्र लाखकर और बानरों में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया, और रखवारे हति बिपिन उजारा, देखत तो ही अछिते ही मारा, अजारी सकल पुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। कहते वो हनुमान जी रखवारों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाले, आपके देखते ही देखते अक्षय कुमार को मार डाले और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिए, तो उस समय आपका बल और गर्व कहाँ था। तो अब पति मृखा गाल जनी मारहु, अमोर कहा कछु हृदय बिचारहु। कहते हैं स्वामी अब व्यर्थ गाल मत मारिए, माने और बकबक करने की जरूरत नहीं है, मेरे बाड़ी को थोड़ा हृदय से विचार कीजिए। अब पति रघुपति ही
नृपति जनी मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। करे कि हे स्वामी, आप श्री राम जी को राजा मत समझिए, माने एक साधारण मनुष्य मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। तो बान प्रताप जान मारी चा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। कहते हैं कि श्री राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका भी कहा नहीं माने। तो जनक सभाय अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। कहती है मंदोदरी जी कि जनक जी के सभा में अनेक राजा थे और वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। अभंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते हु कि नेताही। कहते वहां शंकर जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी जानकी को ब्याहा, माने जानकी जी से विवाह किए, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? अरे वही धनुष तोड़ दिए होते। हाँ, असुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आखी गही पोरा। इंद्र का पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था, और श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर उसके केवल उसकी एक आंख फोड़ दी और जीवित छोड़ दिए। असु और उस ये सब तो किए, और जो आपका अपना अनुभव है कि सुपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। आप तो सुरफुरका अपने बहन की गति देख चुके हैं, फिर भी हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ लज्जा आपको नहीं आती है? देखिए मंदोदरी जी बोल रही है। तो बधि बिराध खर दूषण, बधि बिराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंद अबालिये कसर मारे यो, तेहि जानहु दशकंद। कहते हैं कि जिन्होंने बिराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाले, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया हो, हे दशकंद आप उन्हें समझिए, माने उनके महत्व को समझिए। तो जेहि जलनाथ बधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। अकारुनी के दिने कर कुल के तू, दूत पठायउ तवहि सहे तू। जिन्होंने खेल खेल में ही जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप यानी कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा था। अपने लिए नहीं, वो तो आपके हित के लिए दूत भेजे थे। तो सभा माझी जेहि तव बल माथा, करी बरुथे महु मृगपति जाता। कहते हैं कि जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर शेर उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। तो
तू अंगद हनुमत अनुचर जाके अरन बाकुरे बीरे अति बाके। कहते हैं कि रण में बाके यानी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तो सेवक कोई किसी का क्यों बनता है, जब समझता है कि स्वामी बड़ा है तब ने जी। तो वही कर रहे हैं कि तेहि कह पिए पुनी पुनी नर कहू मुदा मान ममता मद बहू। कह रहे हैं ये स्वामी आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही अभिमान ममता और घमंड का बोझा ढो रहे। इच्छा राम भाई तो ही कहला है तो अब तू जो न अभिमान घमंड और अज्ञान का बोझा मत ढो है। सब तक कुछ बात को राम समझ भाई यह न कहिए ये है कहे कभी बड़ा। अरे ये सब बोझा हो का होई घमंड और ममता अभिमान अज्ञान रख के। अरे सेवक है जो कर सका था सेवा करो आराम से, कोई से लालच का आग्रह रखवे बतावे एक ही कारण बतावे, एक कारण बता दे कि लालच रखे से हम ये जीत ले। कोई जरूरत नहीं हो लालच अभिमान अहंकार रखे के कोनो आवश्यकता नहीं हो। तो देखिए कह रहे हैं कि अभिमान ममता और मद का बोझा आप ढो रहे तो अह कंत कृते राम विरोध अकाल विवस मन उपजन बोधा। आज भी सब यह कालन करे यार जाए दे क्या करे गुरु क्या जीवे एक दिन तो मर ही के हो। एक अर्थ बाकी जे भी बाणी निकाला था काल के बस में बा। अरे यार मर के पहले जियल जाला कैसे ऊ तो जानो, पहले अच्छे से जिये थे सेवक बन के एक दिन मर ही के एक मतलब कि सब तहस नहस करके मर गए जी। तो काल दंड गही काहू न मारा, निशान लगाओ। काल दंड गही काहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि बिचारा। कहते हैं एक काल जाना ला मैं जो मृत्यु आवाला तो कोई के डंडा से नहीं मारा, डंडा से मारा ला नहीं ने तो का करा ला वो बल बुद्धि धर्म और विचार ई चारों जो नाश वह काम करा ली माता जी। बल बुद्धि सत्य सील सब मीना अबनसी समत्री है कहीं प्रवीणा। समझ नहीं आता देख ले भाई। तो काल क्या करता है बल बुद्धि धर्म और विचार ये हरण कर लेता है। जब लोग काल के बस में होते तो वही काम जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते हैं और कहते हैं कि हम इक्कीस इक्कीस घंटे काम करते हैं तो तुम काम के नौकर हो और का राम जी के सेवक बने तब ने। तो निकट काल जही आवत साई तही भ्रम हो ही तुम्हारी ही नाई। मंदोदरी जी कह रही है कि स्वामी जिसका काल यानी मरने का समय निकट आ जाता है उसकी बुद्धि आप ही की तरह भ्रमित हो जाती है। और कहती हैं कि दुई सुत मरे दहे उपुर
अजहू पुर पिय दे कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसुले कहती हैं कि आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जला दिया गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग कर हे नाथ कृपा के समुद्र श्री राम जी को भजकर निर्मल यश प्राप्त। यदि आप लोग भी मोह मद ममता अभिमान का त्याग कर एक सेवक बनकर शुद्ध रूप से सेवा करते करते शरीर छोड़ेंगे भगवान का सेवक बनके, तो आपको निर्मल यश प्राप्त होगा। निर्मल क्योंकि लोभ से यश प्राप्त नहीं हो सकता ना। तो नारी बचन सुनी बिसिख समाना सभा गय उठी होते बिहाना। अब देखिए स्त्री की बाणी बाण के समान उसको लगती है और वह जो है सवेरा होते ही सभा में अपने चला जाता है। अब बैठे जाई सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान के कारण वह सब बैर सब जो है भय डर को भूल जाता है। तो जहाँ अहंकार होता है वहां पर ऐसी ही स्थिति होती है। तो इहा राम अंगद ही बोलावा आई चरण पंकज सिरुनावा। और दूसरे तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पर माने सुबेलु पर्वत पर जहाँ राम जी ठहरे हुए हैं अंगद जी को बुलाते हैं। कल्याण हो भाई कल्याण हो। अंगद जी को बुलाते हैं और उन्होंने आ करके चरण कमलों में अपना शीश झुकाते हैं। अति आदर समीप बैठारी अब बोले बिहसी कृपाल खरारी। बड़े आदर के साथ पास में बैठा करके श्री राम जी हंस करके बोलते हैं कि बाली तनय कौतुक अति मोही तात सत्य कहूं पूछूं तो ही। रावणु जातु धान कुल टीका भुज बल अतुल जासु जगली का। कहते हैं कि अंगद मुझे बड़ा कौतूहल है, हे पुत्र इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है माने रावणों में सबसे बड़ा, अरे राक्षसों में सबसे बड़ा। वैसे राक्षस रावण माने राक्षस ही होता है। कहते हैं कि जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, जो बहुत बलशाली है। अतासु मुकुटे तुम्हें चारी चलाए कहूं तात कवनी विधि पाए। कह रहे जिनके चार मुकुट तुम फेंके थे तुम कैसे पाए। माने प्रभु जी वो बालकों के साथ एकदम बालक के भाव में बात करते हैं। देखिए इसी से सब नाथ या जो है व्यवस्था प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं देखा बाबा मित्र जान करके बात करो ताई कोनो बाबा दीदी नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र भाई मित्र नहीं बनत हैं, बनत हैं धीरे 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 धीरे। तो अंगद जी कह रहे हैं कि सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी
मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। क्या कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ, शरणागत को सुख देने वाले श्री राम जी सुने, वे मुकुट नहीं है, वे राजा के चार गुण हैं। क्या राजा के चार गुण कौन कौन? कि श्याम दान अरु दंड विभेदा, अनृप उर बस ही नाथ कह वेदा। ऐसा वेद कहते हैं कि श्याम दाम दंड और भेद, ये चारों गुण राजा के हृदय में बसते। समझा करके, दाम दे करके, नहीं तो दंड दे करके, नहीं तो भेद पैदा करके राजा कार्य करते। और यह साम दाम दंड भेद चारों राम राज्य में नहीं था, क्योंकि वहां पाप ही नहीं होता था, तो फिर कहां से भेद होगा? ठीक। तो कहते हैं कि नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जानी नाथ पही आए। कहते हैं ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, वह अधर्मी है, इसलिए ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। वो चारों मुकुट नहीं, साम दाम दंड भेद चारों आपके शरण में आ गए हैं। आज यही स्थिति है, आपके देश के राजा के पास में एक भी गुण नहीं। पक्का पक्का बात जान लीजिए, वह मात अधर्मियों को मांस भेजने में ही मस्त रहता है, और अधर्मियों को चाहिए मांस, इसलिए उसकी तरीफदारी हो रही है। ये सब समझने की बात है। तो धर्महीन प्रभु पद विमुख, अकाल दिवस दस शीश, अतहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधि। कहते हैं कि महाराज प्रभु श्री राम जी, रावण धर्महीन है, रावण धर्महीन है, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुने, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। तो परम चतुरता श्रवण सुनी, अभी है से राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद जी के परम चतुरता यानी पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार, हाँ उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार, किले के यानी लंका के सब समाचार कहे। तो रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए, अलंका बाके चार द्वारा, केही विधि लगी है, केही विधि लागी है, करहु बिचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी सब मंत्रियों को बुलाए और कहे कि लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। सच्चे राजा की नीति यही होती है कि अपने सच्चे मंत्रियों से सलाह लेकर के ही वो कोई कार्य करता, कोई भी राजा हो जी। तो तब कपीश्री छेस विभीषण,
असुमिर हृदय दिन कर कुल भूषण अकर विचार तिन्ह मंत्र दिढ़ावा चारियानी कपि कटकु बनावा। तब बानरराज सुग्रीव वृक्षपति जामवंत जी और विभीषण जी तीनों ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण यानी श्री रामचंद्र जी को स्मरण किए। आप लोग भी देखिए यही कार्य आगे प्रारब्ध बन रहा है नाथ, क्योंकि वाणी जब जैसे जैसे पहुंच रही है तो धीरे धीरे आग लग रहा है। उसने अपने ननकू भाई भी कब नहीं है जामवंत जी समझिए, अरे मेघनाथ को उठा के पटक दिए थे, मूर्छित कर दिए थे। मेघनाथ कहा कि तुके बुढ़ऊ समझ के छोड़ दे रहे, इतना ताकत वह तू क्या समझल है हम कितना जो ना चीजें को उड़ाए भाई जो है रेल के पटरी बनत रहा तो कितना पहाड़ उड़ाए भाई जो ना वो लगा करके तो वही कह रहे हैं कि श्री राम जी को हृदय में धारण करके, जब कोई विचार आप प्रभु को धारण करके करेंगे तो वह विचार पवित्र होगा। डॉक्टर साहब इधर देखो, लोभ के धारण करके कोनो विचार कर दे तो ममता मोह के धारण करके कर दे तो कोनो विचार पवित्र न हो। तो विचार करे कहो तो श्री रामचंद्र जी के जो है हृदय में धारण करके कर दे तब विचार वही ठीक। तो ये लोग विचार करके फिर जो है कि कर्तव्य को निश्चित करते हैं। जब राम जी को हृदय में धारण कर लेंगे तो कर्तव्य बनेगा सेवकाई, तब जो है कि लोभ वाला कर्तव्य जौन कुछ धारण करबे चित्त में तो आप सबसे फायदा धारण करे बैन कि कौन काम करे कि खूब धन आवे। हमसे बुआ लोग ये कहें कि गुरु ये सब ज्ञान छोड़ा खाली बताओ पैसा कैसे आई, ये समय लोभ है बड़ी जवान है हमके नाई भवा पर महारथ के कारण साधु धरा सनी कि प्राइमरी में पढ़े हो गए आपो लोग है ना, तो मैं अर्थ कहाँ से बात आई। तो ठीक बा, तो कह रहे हैं निश्चित करते हैं और बानरों की सेना के चार दल बनाते हैं। तो जथा जोग सेनापति कीने जूथ पर सकल बोली तबली ने प्रभु प्रताप कही सब समुझाए असुनि कपि सिंह नाद करी धाये दौड़े। तो कहते हैं कि वो चारों जो गेट है तो उनके लिए यथा योग जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त करते हैं। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिए और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाए, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। तो हर्षित राम चरण सिर नावही अगहि गिरि शिखर वीर सब धावही। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सर नवाते हैं और पर्वतों को ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं लंका की ओर। अगर जही तर जही भालू कपीसा जय रघुवीर कोसलाधीसा। वे कौशल राज श्री राम जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते है। तो जानत परम दुर्ग अति लंका अब प्रभु प्रताप कपि चले अशंका। डॉक्टर भाई अखिलेश भाई अरे सुना नहीं एमए अशंका माने निडर। तो लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर के चले। तो कोई भी वाणी कहीं भी बोलिए एकदम निडर होकर के,
ठीक ना, थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विरक्ति नहीं है तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, और विरक्ति जब नहीं है तो क्या लोग जो है कि ज्ञान की बात करेंगे ना। अरे भगवान का सेवक कोई बन नहीं रहा है, सब जो है हम बड़का ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं अभिमानी है, ज्ञानी का ठीक। तो घटा टोप करी चहु दिशी घेरी अमुख ही निशान बजा वही भेरी, चारों तरफ से घेर लिए तो वहां शंख उंख कहाँ बा, नगाड़ा कहाँ बा, तो मुंह में से बजावा था है। जोन युद्ध का ललकार होला तो बंदर लोग कैसे बजा निशान आवाज दे तो ये समझो माने मुंह से ही डंके और घेरी बजाने लगे। अजयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंह नाद कपि भालु महाबल सिंह। कहते हैं कि महान बल की सीमा वे बानर भालु सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव जी की जय, ऐसी गर्जना करने लगे चारों तरफ। तो क्या होता है कि लंका भयउ कोलाहल भारी असुना दशानन अति अहंकारी। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोराम मच गया और अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि देखहूं बन रन केरी ढिठाई अब हसी निशाचर सेन बोलाई। क्या कहता है कि बानरों की ढिठाई तो देखो, हाँ अहंकार में ऐसा ही आवाज आता है। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षस की सेना को बुलाया। आए किस काल के प्रेरे अक्षुधावंत सब निशिचर मेरे अस कही अट्टहास सठ कीना अग्रिह बैठे आहार विधि दीना। कर आए रावण कि बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भेज दिया है। तो ऐसा कह करके उस मूर्ख ने अट्ठहास माने बड़े जोश से ठहाका मार के हंसा। अशुभट सकल चारिहू दिशि जाहू अधरी धरी भालू की से सब खाऊ। और बोलता है वीरो सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ के खाओ जैसे लगातार मूली है सब। हाँ तो शंकर जी कहते नहीं है कि उमा रावण ही असय अभिमाना अजिमी टिटी भखग सूत उताना। एक तो टिटीरी पक्षी होती है जाने वो जो है शंकर जी माता पार्वती जी से कहा थे कि ये पार्वती सुनो रावण का अभिमान वैसे टिटीरी पक्षी के जैसा, जब बादल गरजता तो उल्टा होकर के वो बादल को ही पकड़ती। हाँ कि बादल गिरेगा, हाँ बादल कि ऊपर से हो तो हमने मतलब ठीक। तो चले निशाचर आय सुमांगी अगही कर भिंडी पाल भर सांगी तोमर मुद गर परसु प्रचंड
सूल कृपान परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम जो देखिए उसके शस्त्र रहते थे उस समय रावण के यहाँ, भिंदीपाल, सांगी यानी बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल देते हैं। तो अजिमी अरुणो पल निकर निहारी, भावही सठ खग मास आहारी। कहते हैं जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टोट मारते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो लाल पत्थर देखते हैं ना तो उस पर अपना चोंच मारते हैं। हाँ मांसाहारी तो चोच भंग दुख तिन्हीं ने सूझा, अति निधाए मनु जादे अबूझा। कहते चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता है, वैसे ही ये सब बे समझ राक्षस दौड़े। तो नाना युधे सर चाप धर, जातु धान बल दी, अकोट कगुरनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रन दी। तो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। परकोटा माने वही चार दीवारी, चार दीवारी, पहले चार दीवारी पे चढ़ते हैं, बहरवा तो वो लोग बाएं, तो चार दीवारी पर चढ़े। तो कोट कगुरनी, कोट कगुरनी सोहि कहते, अमेरु के सिंगनी जनु घन बैसे, अबाजही ढोलनी सान जुझाऊ, असुनी धुनी होई भाटनी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे राक्षस लोग, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो और जुझारू झोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। तो बाजही भेरी न फिरी अपारा, असुनी का दर उरे जाही दरारा। कर रहे कि अगड़ी नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं और उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह को देखे। तो धावही गनहीन याव घट घाटा, अपरबत फोरी कर ही गही बाटा, अकट कटाही कोटिन भट गर जही, दसन ओठ काटही अति तर जही। देखा कि रिच बानर दौड़ रहे हैं तो ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं। ये है राम जी की सेना। और करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं, डपट रहे हैं राक्षसों को। तो उतरावन इते राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, अनिश्चर शिखर समूह ढहावही, अकूदी धरही कपी फेरी चलावही। कहते हैं
कि लंका की तरफ से रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है और जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस, हाँ राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं और बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं। वे सब फेंक रहे हैं और ये सब पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं को चला देते हैं, माने अपने की जरूरत नहीं बा। तो धरी ध्यान दे, तो धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही अझपटही चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए अकपि भालू चढ़ी मंदिर ने जह तह राम जसु गावत भये। कहते हैं प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ गए, माने चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने महलों के अंदर घुस गए हैं। माने यह लड़ाई कोई मैदान में नहीं हो रही है, सीधे महलों के अंदर। तो एकु निशिचर गही अपनी कपि चले पराई ऊपर आपु हेठ भट गिरही धरनी पर आई। और फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते थे, माने किले में से पकड़ पकड़ के पैर धरती पर फेंक दे रहे हैं। तो क्या करें, यहीं पर विश्राम दिया जाए, है ना? अब युद्ध तो छिड़ेगा। तो ठीक बाब, इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव।